cure de Diana perdona guiaré jamo tiruana premoro tu pajona काफी दिनों बाद घर से निकला हूँ, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। आज का क्लाउड देखो ना यार, मस्त है पूरा चारों ओर। गाइस शाम का वक्त है और निकल पा रहा हूँ ऐसे ही घूमने, मतलब ऐसे इवनिंग वक्त पे, और एक जगह जाऊंगा। वो जगह काफी ज्यादा फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है वो जगह। मैं काफी दिनों से जा रहा हूँ और काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। सो गाइस आज का ब्लॉग एकदम स्वीट एंड सिंपल होगा, तो जरूर देखिए एकदम लास्ट तक। और एक वीक बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। सो फार सो गुड। और आज का वेदर तो एकदम परफेक्ट है, पूरा क्लाउडी है गाइस। आज का वेदर वाव, जस्ट वाव गाइस। ये वाला व्यू कुछ भी नहीं है, अभी देखो। गाइस अभी जो आपको व्यू दिखाने वाला हूँ ना, सिर्फ आप लोग देखो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ माँ कसम बोल रहा हूँ। ओ दिस इज आवर ब्यूटीफुल लामडिंग, यस दिस इज आवर ब्यूटीफुल लामडिंग। यहाँ से लामडिंग का जो स्टेशन है और जो DRM बिल्डिंग का साइड है, सब कुछ दिखाई देता है अच्छी तरीके से। आप लोग जस्ट देखो यार, कैमरा में कुछ भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है, माँ कसम। जस्ट वाओ गाइस, जस्ट वाओ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ही बैठ जाऊँ और देखते रहूँ इस व्यू को, इस नज़ारा को। वाओ जस्ट वाओ। वो गाइस क्या बोलो यार, मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं इधर हूँ। मैं इधर से देखो, इधर से मैं क्रॉस होता हूँ हर बस, लेकिन इस बिल्डिंग को देखता हूँ, लेकिन इस बिल्डिंग में कभी चरा नहीं। आज पहली बार चरा और ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है। दिस इज आवर ब्यूटीफुल लामडिंग गाइस। गाइस इधर में देखो कितना सारा गाड़ी आके थम चुका है, यहाँ पर अभी क्रॉस हो रहा है। वाओ अद्भुत। सो गाइस उधर से आ गया, नीचे थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए आ गया। गाइस अभी थोड़ा अलग जगह में जाते हैं, तो लेट्स गो। गाइस वहां से आ गया और आपको व्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस। और अभी एक जगह में जा रहा हूँ, वो जगह मेरा काफी ज्यादा फेवरेट जगह है अभी, क्योंकि इवनिंग के टाइम में मैं उधर ही टाइम स्पेंड करता हूँ अक्सर, तो उधर जा रहा हूँ गाइस। और अरे एक सेकेंड, आज का तो इंट्रो देना ही भूल गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस मेरा नाम है विशाल दे, AKA IBMR7, एंड यू आर वाचिंग IBMR7 व्लॉग्स। सो गाइस अभी उधर चलते हैं उस जगह पे। अंकल एक आइसक्रीम दो ना। गाइस यहाँ पर आया हूँ आइसक्रीम खाने, जगह में जाने से पहले एक आइसक्रीम खा लेते क्योंकि ज़्यादा गर्म है, तो आइसक्रीम खाते। और इस अंकल से मैं बहुत बार खाता हूँ, अच्छा लगता है बहुत। वेल इस आइसक्रीम खाते खाते पहुँच चुका हूँ उस जगह पे। वाओ गाइस कोरोना के टाइम में ये जगह एक मेजर अट्रैक्शन है और बहुत जन इधर जाते हैं, बहुत जन आपको दिखने को मिलेगा थोड़ा देर में। तो पहले ये आइसक्रीम गल जा रहा है, तो इसको खाते गाइस। और एक चीज़ ऐड करना भूल गया था कि मैं स्केटबोर्ड भी लाया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा स्केटबोर्ड, उधर चलाने भी वाला हूँ गाइस, मज़ा आएगा बहुत। देखो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और काफ़ी ज़्यादा अभी धूप भी है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं धूप कमने तक। गाइस इधर बैठ चुका हूँ और ये जगह में आके ना बहुत सुकून मिलता है, अपना ब्यूटीफुल लामडिंग जंक्शन, मतलब लामडिंग स्टेशन। वो बेस्ट गाइस, अभी आप लोग देख लो, हार्डली आपको 2-3 लोग ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा देर बाद आप लोग जस्ट देखना कितना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। ये डेली का ही सीन रहता है गाइस, तो देखते रहो एंड तक, देखो गाइस एंड तक।
क्या गिर मत जाना ठीक है, ये बहुत खतरनाक है किंतु देख के गिरोगे देख के ये बहुत हार्ड है। देखने में इजी लगता होगा ना, कार्टून में देखने में इजी लगता है ना, लेकिन ये हार्ड है बहुत। गाइस ये वाला पप्पी को देखो कितना ज्यादा क्यूट है, ये कौन सा ब्रीड है भाई? गाइस ये जर्मन शेफर्ड और एक क्या ब्रीड बोला, गल्चा बॉम। जर्मन शेफर्ड और गल्चा बॉम का मीन्स ब्रीड है गाइस, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ वही। और ये भाई देखो स्केटबोर्ड चला रहे, ओह भाई देखने में इजी लगता है, देख के हाँ गिरोगे इजी। तो बैठ के सीखो, पहले बैठ के सीखो, नहीं होगा इतना इजी नहीं है, ये बहुत हार्ड है, देखने में इजी लगता है। इस पपी को देखो आप लोग, पपी देखो, तुम भी ब्लॉग में आ रहे हो भाई, देखो पपी क्या देख नहीं रहा, ये रिएक्शन नहीं। हाँ यूट्यूब में नाम क्या है? IBMR7 ब्लॉग्स भाई। ये कुत्ता बहुत ज्यादा अच्छा लगा देखने में, उल्लू कितना ज्यादा प्यारा है भाई, ये कुत्ता बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा। हाँ बाय बाय बोल दे एक बार। गाइस यहाँ का व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल है अभी, और देखो काफी सारे बच्चों भी, मतलब वो लोग को स्केटबोर्ड चलाना है, तो लोग चलाओ। स्केटबोर्ड का दाम क्या बोला? 1000। 1000 कम नहीं बोल दिया? 5000। 5000 में स्केटबोर्ड मिलता है क्या? कितना तुम्हारे हिसाब से बोलो? ये मुझे भी पता नहीं कितना। चलो चलो गिरना वहाँ, ठीक है, चोट लग सकता है। हाँ ये बहुत हार्ड है, देखने में इजी लगता है। वो नाम क्या भाई? क्रिस दास। जब आया था इधर कोई भी नहीं था, अभी देखो गाइस कितना जन आ चुका है इधर इस जगह पे, वाओ। सो गाइस इसके बाद मैं घर आ चुका था और वीडियो को एंड करने भूल गया, तो अभी एंड कर रहा हूँ। और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दो और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर कर लो गाइस, क्योंकि नियर फ्यूचर में बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट लाने वाला हूँ मैं चैनल में। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो इस वीडियो को। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।